दोस्तों वेलकम टू आरसी ब्लॉग्स। दोस्तों सरप्राइजिंगली केटीएम इंडिया में लॉन्च करने वाला है न्यू केटीएम ड्यूक 125। केटीएम के डीलर वालों ने इसका बुकिंग अभी से चालू कर दिया है। आप चाहो तो 1000 रुपीज़ डाउन पेमेंट देकर इस बाइक को बुक कर सकते हो, पर इसका फाइनल लॉन्च डेट अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो शायद 2018 के एंड यानी कि दिसंबर में शायद ये बाइक लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो डिलीवरी भी आपको लॉन्च होने के बाद ही मिलेगा। मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो इस न्यूज़ को सुनकर। बहुत जल्दी ये बाइक मार्केट में आने वाला है दोस्तों। चलो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। इसमें है 124.7 cc का लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 15 bhp एट 9500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क है 12 Nm एट 8000 rpm। इसमें 6-speed गियरबॉक्स भी है जिसका टॉप स्पीड है 120 km/h। इसका टैंक कैपेसिटी है 13.4 liters और माइलेज भी शायद 40-42 के आसपास मिल जाएगा, पर वो तो पता चलेगा लॉन्च के बाद। अब बात करते हैं इसका ब्रेकिंग पावर की। सामने के तरफ दिया है 300 mm का डिस्क ब्रेक विद 4-piston कैलिपर और पीछे के तरफ है 230 mm का सिंगल पिस्टन कैलिपर का डिस्क ब्रेक, जो कि काफ़ी पावरफुल है इसके ओवरऑल पावर के हिसाब से। इंटरनेशनल में KTM वालों ने इस बाइक को डुअल चैनल ABS के साथ लॉन्च करने वाला है, जो कि बॉश कंपनी का है। हालांकि 125 cc के सेगमेंट में ABS मैंडेटरी नहीं है इंडिया में, इंडिया के लिए CVS वेरिएंट ही निकलेगा, पर शायद ABS वेरिएंट भी आ जाए। तो जाहिर सी बात है CVS वेरिएंट का प्राइस थोड़ा सा चीप होगा ABS वेरिएंट से, और शायद ये भी हो सकता है KTM वालों ने इंडिया के लिए सिर्फ CVS वेरिएंट ही लाएगा। अगर दोनों वेरिएंट ही आ जाएगा तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं ABS या फिर CVS। मैं तो ABS के साथ ही जाऊँगा दोस्तों, पर ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें मिलेगा WP इन्वर्टेड USD फ्रंट फोर्क सस्पेंशन और रियर में है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, बहुत ही ज़्यादा है। इसका कार्ब वेट है 137 kg। इसका हेडलाइट LED है। डिस्प्ले में भी कुछ चेंजेस नहीं किया है KTM वालों ने, वही TFT डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आपको टैकोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर और क्लॉक भी मिलेगा। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल्फ स्टार्ट रहेगा, किक स्टार्ट नहीं होगा पहले मॉडल्स के तरह। इसके साथ बहुत सारे एक्सेसरीज भी आएगा, जैसा कि टॉप केस, रियर बैग, साइड बैग, टैंक बैग, नकल गार्ड और भी बहुत बहुत सारे एक्सेसरीज। इसका राइडिंग पोस्चर जो कि काफ़ी अपराइट है। इसका डिज़ाइन और स्टाइलिंग KTM वालों ने ड्यूक 250 को फॉलो करके बनाया है। दोस्तों इस सेगमेंट में एक ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है KTM अब, जिसमें शायद काफ़ी सारे बाइक के सेल जो है गिरने वाले हैं, पर ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस शायद 1,25,000 से 1,50,000 के बीच में रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लिव सेफ, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हेन यू राइड। अलविदा।